माता दी, आप सभी को मेरी ओर से कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने को भी लेट हो गई और काम जो मेरी दिनचर्या है ना उसमें भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आज शुक्रवार है ना तो सुबह ही मैंने कपड़े धो दिए क्योंकि दिन को फिर मुझे ना आलस पड़ जाता है। जब मैं आती हूँ जंगल से अपनी बकरियों को लेकर के ना तो आलस पड़ जाता है, फिर मन नहीं करता कपड़े धोने का और ठंडी हो जाती है। तो आज मैंने सुबह सुबह ही कपड़े धो लिए जिसके कारण मैं लेट हो गई जंगल की तरफ आने के लिए। और अब जा कर के मैंने अपने पशु और बकरियों को छोड़ा है पर ये मुझे ना कुत्तों की तरह भगा रहे हैं इधर उधर इन कंटीली झाड़ियों के बीच में। देखिए मैं फंस चुकी हूँ यहाँ पे और मेरी ना सिर्फ एक बछड़ी मुझे दिखाई दे रही है, बाकियों का कोई अता पता नहीं। आगे का ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको दिखाऊँगी मैं मेरे यहाँ से आसपास का खूबसूरत सा व्यू। ये देखिए ये है हमारे पड़ोसी गाँव और इनके साथ लगते हुए जंगल और घासनियाँ तो आजकल जो है ना सारी सूख चुकी है, हरा हरा दिखता है बस जो केल यानी कि देवदार जिसको बोलते हैं ना वो और चील के पेड़ बान के पेड़ ऐसे कुछ हरे हरे दिखते हैं। और आकाश में ना थोड़े थोड़े बादल है आसमान में पर बारिश नहीं हो रही है जी, नहीं हो रही है। ऐसे में हम जो है सूखे का सामना कर रहे हैं और इस साइड को कुछ दिखता नहीं है क्योंकि इस साइड को ना ज़्यादा कोहरा होता है। और ये जो खंभा है ना यहाँ पर इससे पहली साइड को मेरा घर है और ओरली साइड को जो है ना बिल्कुल ठंडी वाला है। देखिए आपको दिख रहा होगा परली साइड को धूप होती है और जब इस साइड को आ जाती हूँ ना मैं तो यहाँ पे धूप नहीं आती है, बस कुछ कुछ जगहों पर धूप आती है। और यहाँ पर देखिए मेरी एक बकरी और एक मेरी बछड़ी है सौर्या, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। तो आज मुझे लगता है कि मैं इन्हीं कंटीली झाड़ियों के बीच में भागती रहूँगी। देखिए यहाँ से रास्ते ही नहीं है, जब किसी ने आना ही नहीं ना तो सारे रास्ते ख़त्म। और ये देखिए सारे जो भी पौधे हैं ना इनको पत्तियों के लायक उनसे भी सारी पत्तियाँ ख़त्म हो चुकी है। बैग दिखाती हूँ यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ इसी में डाला हुआ है, आज पानी की बॉटल भी लेकर के आई हूँ। बकरियों का राशन है, मेरा खुद का राशन है पर मैं सुबह कपड़े धोए ना तो इसकी वजह से लेट होगी। अया कांटा चुभ रहा है तो ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, मम्मी बोल भी रहे थे कि कर लो ब्रेकफास्ट बोलते, मैंने बोला नहीं मैं ना चलते चलते ही करूँगी कहीं अगर मुझे ना फुर्सत के दो पल मिलेंगे तो। पर वो फुर्सत के दो पल पता नहीं कहाँ जैसे मिलेंगे मुझे, कौन सी घाटी पर मिलेंगे, कौन से मतलब कौन सी साइड होगी वो जहाँ पे दो पल फुर्सत के मिलेंगे। दो पलों के लिए तो मैं जा रही हूँ आगे आगे। और मैंने ना धाटू नहीं बांधा हुआ है तो ये ठंडी ठंडी हवा ना मेरे कानों में ऐसे चुभ रही है ना, हे भगवान। तो सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी, मैं इसका ही धाटू बनाऊँगी और इसी को ओढ़ूँगी। पहले तो भाई कान बच जाए तो हम सेफ है, अगर हमारे कानों में हवा चुभ जाए तो फिर हमारा भी कुछ नहीं हो सकता। जो बकरियां हैं ना वो वहाँ चली गई खेतों में नीचे जहाँ पे मैंने ना कल इनको पत्तियाँ निकाली थी। भाई क्या करूँ, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को भी ना अगर हम सुख की ज़िंदगी देते हैं ना तो उसको हजम नहीं होती है, तो मैं क्या करूँ अब ये खुद ही नीचे चली गई। मैं तो इनको ऊपर ले करके आई थी कि यहाँ पर ना इनको थोड़ी पत्तियाँ मिलेगी पर इन्होंने अगर जाना ही खेत में तो मैं क्या करूँ। भाई ये चली गई है और मैं ना धूप देख रही हूँ कहीं मुझे बैठने लायक धूप मिल जाए। चलिए इसी का बना लेते हैं धाटू। भाई कान तो मैं खुले नहीं छोड़ सकती, मेरे को लगती है ठंड है, सच्ची बात बताऊँ मैं आपको तो। धाटू नहीं है तो क्या हुआ, इसी से बना लेंगे धाटू। सिर ढक लेते हैं ना तो हमें थोड़ी राहत मिल जाती है ठंड से। ये देखिए ये हो गया फिट, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। भाई चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे खुद को ना ठंड से बचाना है, अगर हम खुद ठंड से बच गए तो फिर हमारे मजे हैं, नहीं तो फिर कोई पूछेगा नहीं अगर हम बीमार हो गए। थोड़ा साफ नहीं आ रहा, मैं खुद को देख रही हूँ पर दिख नहीं रही हूँ। तो मैं लेकर के आई हूँ भाई रोटी खुद के लिए, पता नहीं क्या टाइम हुआ, दिखाती हूँ टाइम क्या टाइम हो गया,
11:15 हो गए और अब जा करके मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। मुझे बड़ी ठंडी लगी है, अभी इस कपड़े धो करके ठंडे ठंडे पानी से, कोरे वाले पानी से मैंने कपड़े धोए। ये देखिए मैं लेकर के आई साथ में पानी की बॉटल और मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है परांठे हैं आलू के, ये देखिए, तो मैं इनको खा लेती हूँ। मैंने इनका टेस्ट ना घर पे नहीं चखा है, कैसा बना है कैसा नहीं बना है, स्वाद ही होगा जब मैंने बनाया है। खुद की तारीफ करनी चाहिए। सच में टेस्टी है, तो मैं खा लेती हूँ पहले, उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। मुझे ना शर्म आती है आप लोगों के सामने खाना खाते हुए, मजाक कर रही हूँ, आप लोग मेरे अपने हो भाई, और खाना खाने में कोई शर्म नहीं होती। वंशु आ रहा है एक बकरी को लेकर के, और ये गया था आज स्कूल ना, तो जहाँ से आया स्कूल से और आते ही ना चप्पल पहन के मेरे पास आ गया। बकरी देखी, ये भागी थी परे पानी पीने की साइड को। मैं सोच रही थी ना कि 10-15 मिनट और गुजार लूँ, मैं इनको थोड़ी और पत्तियाँ खिला सकूँ। भाई पत्तियाँ नहीं है इनको खाने को, इनका रोना है मेरे पास रोज़ रोज़ का कि हमें ना भूख रह जाती है, हमारा पेट नहीं भरता। बजे 12:30 और मेरे पशु जो है ना पानी पी करके चल पड़े हैं वापस घर की तरफ, और मुझे भी जाना है घर। भागते भागते ही हुआ है आज ब्रेकफास्ट भी, और नहीं तो फिर लंच के लिए भी लेट हो जाएगी। और इनके साथ ना बैठने का टाइम नहीं लगता, ये बहुत दौड़ा देते और मैं थक जाती हूँ। वंशु मेरे से शिकायत कर रहा है कि इसका संतरा मैंने खुद दिखा लिया, तो संतरा तेरे को और मिल जाएगा घर में जा करके। वंशु तेरे को मम्मा प्यारी है या संतरा प्यारा है? चल तो एक एक इकट्ठा कर रही हूँ, मारता वे वंशु है जोर से, ऐसे पड़ता ही है। मुझे याद आ गई, एक भाई पूछ रहे थे ना कि तूने ना इनके नाक में ना रस्सियाँ लाई है, अगर रस्सी नहीं लगाते हैं भैया इनके नाक में ना तो ये बिगड़ जाते हैं और ये खेत के लिए तैयार नहीं होते, जब रस्सी लगा देते ना तो आसानी से ये खेत के लिए तैयार हो जाते। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये पाप है ना, मानती हूँ, क्योंकि बेजुबान है बेचारे, इनके साथ ऐसी हरकत करना पाप है। पर आपको पता है आजकल ट्रेंड है कि गाय के जो सींग होते हैं ना, जब वो 18 से 20 दिन की बच्ची आती है तो उसके सींग बंद करवा देते हैं। और शायद आपको पता होगा कि जो सींग बंद कराने की प्रक्रिया है ना वो कितनी दर्दनाक होती है पशुओं की, खासकर बछड़ियों की, तो उसे तो लोग अपने फैशन के लिए यूज़ करते हैं और हम इसे ना अपनी रक्षा के लिए यूज़ करते हैं। और इससे ना फिर ये जैसे मारने पड़ते हैं ना बैल, तो मारने नहीं पड़ते हैं, तो जो बछड़ियों के सींग बंद कराने की प्रक्रिया है ना वो ट्रेंड है, और ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंडिंग में नहीं है, ये अपनी सुविधा के लिए है। और उनके सींग बंद करवा देते, क्यों बंद करवा देते, फिर कहते हैं कि इनको जो रोटी देते हैं हम ना गाय को, वो लगती नहीं, क्यों नहीं लगती है वो रोटी गाय को, इसीलिए तो वो रोटी नहीं लगती गाय के लिए, क्योंकि उनको ना पहले ही, आपको पता है वो सरिया कैसे होता है, उसको आग में तपाते हैं फिर जा करके उनके सींग निकालते हैं, जिस कारण ना वो निषेध हो जाता है। मतलब क्या करें भैया, ये जमाना है वैसे ही, हम भी नहीं चाहते। आपने देखना, जो आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग अगर डेली, तो मेरा जो बूढ़ा बैल है ना बेचारा बुजुर्ग है, उसका नाक नहीं हमने रस्सी नहीं डलवाई है। अभी हो गए हैं 5:30 और मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है आज दाल, स्पेशल दाल बन रही है भाई चेतन के लिए, चेतन की फरमाइश है, बहुत दिनों के बाद घर में आ रहा है, तो सुबह ही फ़ोन पे बोला कि मम्मी आज जो है आपने दाल बनानी है, तो मैं लगी हूँ दाल बनाने और साथ में सेक रहे हैं आग। या बाहर जो है बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है और बादल हो गए हैं, हालांकि मौसम सुबह थोड़ा ठीक था और अभी ज़्यादा बादल आ गए, तो आप लोग प्रेयर कीजिएगा हमारे हिमाचल के लिए, पूरी इंडिया के लिए, कि बारिश हो जाए भाई, बारिश की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। और इसी के साथ मेरा छोटा सा आज का जो ब्लॉग है यहीं तक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय माता दी।